Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, आज इस session में हम सीखेंगे on page optimization. Guys, on page optimization तभी possible है जब आप अपने keyword research कर लिया है, क्योंकि keyword research मैंने आपको last video में बताया था. Guys, on page optimization होता क्या है? On page optimization कहते हैं जब हम किसी keyword को अपने page के अंदर इस तरीके से fit करते हैं कि उस keyword पे हमारा page rank करना शुरू कर दे, that process known as on page optimization. Guys, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए मुझे आपको प्रैक्टिकल कराना है और प्रैक्टिकल के लिए मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले जाना है. आइए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरीके से करते हैं. अब मैं बात करूंगा गाइस, जो भी कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है एंड उसी को कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं. और कीवर्ड रिसर्च करने का जो हमारा मेन मोटिव था वो ये था कि हाउ वी कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर कीवर्ड ऑन विच आई कैन इजीली गेट रैंक एंड वंस आई विल बी गेटिंग रैंक आई कैन एक्सपेक्ट a lot of traffic from that particular keyword, क्योंकि मेरे पास उस keyword का volume भी था कि कितने लोग उसे search करते हैं और उस keyword का competition जितना कम होगा उतना ज़्यादा है और volume जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. तो इसका मतलब मैं safe हूँ कि competition कम होने की वजह से मुझे ranking मिल गई और ranking मिलने की वजह से मुझे traffic भी मिल गया क्योंकि उसमें searches भी काफ़ी ज़्यादा थे. तो यही benefit होता है keyword research का और यही main motive होता है इसको करने के पीछे का. Now for example मुझे मेरा keyword मिल गया, the keyword was weight loss reasons और वेट लॉस होम रेमेडीज. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कीवर्ड मिला है वेट लॉस होम रेमेडीज, मुझे इस पर बहुत अच्छा एक ब्लॉग लिखना है. आई हैव फाइनलाइज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड एज माई मेन कीवर्ड ऑन विच आई हैव टू वर्क ऑन. तो इसे मैं कह सकता हूँ मैं प्राइमरी कीवर्ड, मैं इसे प्राइमरी कीवर्ड ट्रीट कर सकता हूँ कि मुझे इस पर ही रैंक करना है कि मेजर मेरी जो पर्टिकुलर ब्लॉग है जिसपे मैं ये वेट लॉस के बारे में पूरा कंटेंट लिखूंगा वो कंटेंट मेजरली किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक होना चाहिए, दैट इज नॉन एज वेट लॉस होम रेमेडीज, इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए. अब इस कीवर्ड पर रैंक कराने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है लेवल टू, दैट इज नॉन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड आज हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे ही बात करेंगे और पूरा प्रोसेस करना हम देखेंगे कि कैसे करते हैं और इसको कैसे आगे अच्छी तरह से करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस पे करने वाले हैं. तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो सो दैट यू पीपल कैन गेट टू नो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरह से कैसे किया जाता है. क्योंकि अगर गाइज अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप रैंक तो कर सकते हो लेकिन रैंक किस कीवर्ड पे करोगे वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा आपके पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर. तो ऑन पेज में यही चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है इस प्राइमरी कीवर्ड को मुझे कैसे प्लेस करना है. अब आगे मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं प्लीज उसे फॉलो करो. सो वेल गाइज, आप लोग ये देख रहे हो कि मैंने एक पीडीएफ बनाया है आप लोगों के लिए और इस पीडीएफ में बेसिकली मैंने 8-9 स्लाइड्स बनाए हैं व्हिच इज वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि कैसे हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है. अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दिखा दूं. अगेन इफ आई गो टू गूगल, अगर मैं गूगल पे जा रहा हूं एंड गूगल पे मैंने ये कीवर्ड को सर्च किया लाइक दिस एंड जो भी रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे वो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लिक कर दिया, द फर्स्ट रिजल्ट जो भी मुझे मिला था मैंने उसको क्लियर कर दिया. ऑन पेज में क्या क्या आता है थोड़ा सा यहाँ पर नजर से मतलब नजर मारना एंड सो यू पीपल कैन इजीली गेट टू नो. नंबर वन, सो गाइज यहाँ पर देखो इसका जो ये बड़ा सा टाइटल है, ये जो टाइटल है इस टाइटल के अंदर आपको दिखेगा कि जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था वो आपको ये कहीं ना कहीं दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल लूज वेट आ रहा है, थोड़ी इजी वेज टू लूज वेट और यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या था वेट लॉस होम रेमेडीज. लेकिन इस कीवर्ड के अंदर सॉरी इस टाइटल के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये लूज वेट का ऑप्शन दिख रहा है, 30 वेज टू लूज वेट, मतलब टाइटल के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड का ग्लिम्स है. ग्लिम्स मतलब होता है कि हाँ वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं लॉस वेट पे ही है कि वेट लूज कैसे करना है, तो टाइटल में भी आपको दिख रहा है. उसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वेट लॉस इन्फॉर्मेशन, तो ये वेट लॉस वर्ड्स है. तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे ही गूगल ट्रिगर करता है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो बेस्ट आर्टिकल है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए. अब मैं आगे भी देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं वेट लॉस लॉस वेट ये सब दिखता रहेगा. ये अगेन लूज वेट एंड देन यहाँ पर भी आप देखेगा कि वेट लॉस लिखा हुआ है. अगेन इफ आई गो समवेयर इन दिस कॉन्टेंट सो आई विल फाइंड मोर दिस काइंड ऑफ वेट लॉस एंड ऑल. तो मैं इसको काम करता हूँ, मैं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ. तो गाइज पूरे इस पेज में इस पूरे कंटेंट के अंदर 71 टाइम्स वेट लिखा हुआ है, बट मैं इनको नहीं मानूंगा जो यहाँ पर येलो हाईलाइट हुए हैं, मैं इनको इसका कंटेंट नहीं मानूंगा. तो इसका जो मेजरली कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देख रहे हो ना, इफेक्ट्स वेट एंड ईटिंग बिहेवियर, 6, 7 वेट लॉस अगेन, 8 वेट लॉस अगेन, 9 वेट लॉस अगेन, वेट लॉस अगेन, वेट लॉस
वेट लॉस, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, सॉरी इस कंटेंट को इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ रैंक कराने की पूरी कोशिश की गई है। वेट लॉस, वेट लॉस, कैन यू सी दैट, मैं काम करता हूँ, मैं वेट लॉस ही दिखाता हूँ। तो गाइज वेट लॉस आप देखो कि इस पूरे पेज में कहीं ना कहीं 37 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से दो बार जो वेट लॉस हटा दूं तो 35 टाइम्स वेट लॉस लिखा गया है, जिस वजह से मेरा जो कीवर्ड है वो ट्रिगर हुआ है, क्योंकि मेरे कीवर्ड का जो फर्स्ट टू टर्म्स था वो वेट लॉस ही था। और इस पूरे कंटेंट के अंदर वेट लॉस को इस तरह सजाया गया है, सजाया गया मतलब डेकोरेट किया गया है, दैट गूगल गॉट टू नो कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल विल बी द बेस्ट सूटेड आर्टिकल फॉर दिस कीवर्ड, दैट्स द रीजन दिस आर्टिकल इज रैंकिंग एट द टॉप ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट्स। आई वोंट से कि दिस इज द ओनली रीजन, अगर आप वेट लॉस को बहुत बार अपने कॉन्टेंट के अंदर लिख दोगे वही एक रीजन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज द रीजन आउट ऑफ दैट टोटल रीजन विच आई विल बी गिविंग यू टूडे, जो आज मैं आपको बताऊंगा उसमें से ये कुछ रीजन है। नाउ दिस इज यू कैन सी दैट, कहीं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्टेंट इज रैंकिंग इन गूगल, बिकॉज ये वेट लॉस को इस पर्टिकुलर कॉन्टेंट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर कितनी बार और कैसे कैसे लिखा गया है, और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो ऑन पेज मतलब आपको समझ आ गया कि इस पेज के अंदर वेट लॉस का किस तरह से जिक्र हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है और कितनी बार हुआ है, ये मैटर बहुत करता है। इसके अलावा इसके जो ये पर्टिकुलर ये जो साइट है, उस साइट के जिस पेज में है उस पेज में भी लूज वेट का जिक्र है। आप देख रहे हो इसके यूआरएल में भी लूज वेट का पूरा पूरा जिक्र है। जिक्र होने का मतलब है कि यू हैव टू मेंशन द पेज यूआरएल अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड विच यू वांट टू टारगेट, लाइक दिस लूज वेट। तो कहीं ना कहीं लूज वेट उसके यूआरएल में भी है, उसके टाइटल में भी है, लाइक दिस, और उसके कंटेंट के अंदर भी है। और कंटेंट के अंदर के अलावा आई वुड से कि इसका अगर कोई इमेज है तो शायद उस इमेज में भी होना चाहिए, बट एज आई कैन सी दैट देयर इज नो इमेज इन दिस कंटेंट। इस पूरे कंटेंट के अंदर कोई भी इमेज अभी तक तो मुझे नहीं दिखी है, तो नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी वन टू वन क्लियर कर देता हूँ। तो नंबर वन थिंग गाइस, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो मेक श्योर मिनिमम 1000 वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन सबसे रिकमेंडेड मैं जो बोलूंगा वो 1500 से 2000 वर्ड तक होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूं तो यू विल फाइंड कि ये कंटेंट जो है कम से कम मोर देन 1500 वर्ड्स होगा, और ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं 2000 वर्ड्स का कंटेंट जरूर होगा। I'm pretty sure about this, क्योंकि as I clearly mentioned yesterday itself that the content, the more the content you will provide to Google, Google will love your content to get better ranking. Let's copy this, copy करके मैं यहाँ पर अगर जाऊँगा and I will write here Google and I will write word counter and let's go and count the word here. मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंटर कर दिया। तो गाइस देखो, इट इज 2400 वर्ड्स का कंटेंट है ये, 2400 मतलब ऑलमोस्ट 2500 वर्ड का कंटेंट है। जिसका मतलब मैं बिल्कुल गलत नहीं था कि ज्यादा कंटेंट होगा तो गूगल विल गिव यू प्रायोरिटी। इट डजंट मैटर कि हाँ आप सिर्फ कंटेंट ज्यादा भरते जा रहे हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, आप बिल्कुल गंदा टॉपिक लिख रहे हो, या फिर जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो वो बहुत ही घिसा पिटा है, लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो गाइस उस केस में आप जितना मर्जी बड़ा कंटेंट लिख दो आपको कोई भी रैंकिंग नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो गूगल की नजरों में ना बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। गूगल के पास ऑलरेडी वैसे कंटेंट बहुत सारे हैं, तो आपको यूनिक भी होना पड़ेगा। तो मैं वही चीज आगे भी बताऊंगा, बट अभी तक जो मैंने आपको प्रूफ किया वो ये किया है कि आपको एक अच्छा खासा कंटेंट लिखना है, अच्छा खासा मतलब क्वांटिटी वाइज उसको ज्यादा लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि जो फर्स्ट में रैंक कर रहा था वो कहीं ना कहीं 2500 वर्ड कंटेंट को रैंक करा रहा था। नाउ लेट्स गो विद द सेकंड कंटेंट। सेकंड कंटेंट ये वाला है, क्योंकि ये तो ऊपर जो हमने देखा वही है, अब इस पे चलते हैं। तो गाइस इसका भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा कंटेंट है, और इसमें भी अगर मैं देखूं वेट लॉस कितनी बार लिखा गया है तो गाइस 58 टाइम्स तो इसने भी लिखा है। मैं मान के चलूं कि 58 टाइम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि उसके अलग अलग जगह पे लिखा है जो कि कंटेंट नहीं है बेसिकली। तो यू कैन से दैट वेट लॉस उसके किस में है, उसके ये रहा वेट लॉस होम रेमेडीज, ये तो एग्जैक्टली उसने वही कीवर्ड लिखा है जिस कीवर्ड को हमने खुद सर्च किया है। तो उसके टाइटल में भी है, उसके यूआरएल पे भी है, वेट लॉस आप देख रहे हो यहाँ पर यूआरएल पे भी है, एंड उसके कंटेंट के अंदर भी वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस काफी बार लिखा गया है थ्रू आउट द कंटेंट एज लाइक दिस। यू कैन सी दिस, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस
लाइक दिस। सो गाइज ये सारी चीजें, ये खैर काउंट नहीं होगा, सॉरी ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्टेंट का ही पार्ट है तो ये काउंट होगा। तो गाइज दिस वे वॉट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो विद ऑल द कॉन्टेंट जो कि यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि येस मतलब कीवर्ड को डेकोरेट करना अपने कॉन्टेंट के अंदर कहाँ कहाँ रखना है वो ऑन पेज का पार्ट होता है। आई होप अभी तक आपने बिल्कुल इसको क्लियरली समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम शुरू हो रहा है कि हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे उन चीजों को करना है, वही आज हमें सीखना मेजरली हमारा काम है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्लाइड बनाया है गाइज। ये स्लाइड थोड़ा सा पुराना है, पुराना इन द सेंस लास्ट ईयर का स्लाइड है, लास्ट ईयर के स्लाइड में और आज के 2019 के एसईओ में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा आपको जरूर अंतर है, जो कि मैं आपको ड्यूरिंग द बताने के टाइम पे ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल मेंशन यू कि चेंजेस क्या क्या हैं, तो आप उसे मैनुअली चेंज कर लेना अपने पॉइंट में, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है जब आप एक कॉन्टेंट लिखने वाले हो, क्योंकि ऑन पेज का मतलब है आज हम कॉन्टेंट पे काम करेंगे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन दिस, तो आज हम कंटेंट पे काम करेंगे। कंटेंट काम का मतलब होता है कि आज हम ये कंटेंट लिखने वाले हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये कंटेंट लिखते टाइम या लिखवाते टाइम जो आपको चीजें ध्यान रखनी है उसी को ही बेसिकली ऑन पेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंटेंट जो लिखा जा रहा है इस पे बात कर लेते हैं। द नंबर वन थिंग विच यू हैव टू सी हियर, स्लाइड नंबर वन, सबसे पहले गाइस द वेरी फर्स्ट थिंग जो चीज मैंने यहां पर क्लियर कर दी है विच इज कॉन्टेंट इज द किंग। अब मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दूं, कंटेंट इज द किंग का मतलब क्या होता है। कंटेंट इज द किंग का मतलब ये होता है कि आप नो मैटर कि आप कितने बड़े एसईओ के धुरंधर हो, कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आपने हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स रैंक करा दी, आपको बहुत नॉलेज है कि आप रैंक करा दोगे किसी भी वेबसाइट को, बट मैं चैलेंज देता हूं कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट साफ सुथरा या फिर कम लिख रहा हूं या फिर वो कंटेंट जो ऑलरेडी गूगल के पास अवेलेबल है, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन एसईओ यू वोंट एबल टू रैंक माय पर्टिकुलर साइट फॉर एनी कीवर्ड। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं उसके अंदर, और कंटेंट जो है वो बहुत ही सड़ा हुआ कंटेंट है, मतलब दैट इज अ वेरी बेकार कंटेंट, बैड कंटेंट विच गूगल विल नेवर गिव मी अ रैंक। सो दैट इज द रीजन द कंटेंट इज द किंग मींस, अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे, अगर आप क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख रहे या फिर क्वांटिटी ऑफ कंटेंट नहीं दे रहे हो तो आप रैंक सोचना मत, गूगल से ट्रैफिक बिल्कुल भी मत सोचना। तो कंटेंट इज द किंग, आपको सबसे पहले कंटेंट पे फोकस करना है, डोंट गो विद द रैंकिंग, अपने माइंडसेट से ये चेंज कर दो कि आपको रैंक करना है, आपको बेस्ट कंटेंट लिखना है, ये माइंडसेट के साथ आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करना तो आपका ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें अचीव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट बिना आप एसईओ कर ही नहीं सकते। दैट इज द नंबर वन। सो प्लीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कंटेंट पे पहले फोकस करोगे, फिर कंटेंट अगर अच्छा है तो ही एसईओ कर पाओगे, वरना आप एसईओ नहीं कर पाओगे। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको ये भी समझाया था कि गाइस ध्यान रखना कि आपका कंटेंट अगर ऐसा है जो कि गूगल के पास ऑलरेडी कंटेंट वो वाला अवेलेबल है तो गूगल कभी भी आपको रैंक क्यों देगा, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी वो वाला कंटेंट रैंक कर रहा है किसी और की वेबसाइट में। अगर आपने सेम चीज वही लिख दी कि भैया आप त्रिफला खाओ, त्रिफला पाउडर हनी के साथ खाओ, किसी और ने लिखा है तो आप भी सेम चीज लिखोगे तो आपको रैंक क्यों मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को घुमा फिरा के एक अलग से तरीके से लिखोगे जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, तरीका अलग है लिखने का, आपको समझाने का तरीका अलग है, तो गूगल आपको वो नया कंटेंट मानेगा। लेकिन अगर आप सेम चीज को एज इट इज लिख रहे हो कि त्रिफला पाउडर विद हनी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया वगैरह वगैरह कर दिया एंड गूगल को आपने उसे सबमिट कर दिया, तो गूगल समझ जाएगा कि ये तो कंटेंट जो है ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो पहले कंटेंट इसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर सेम कंटेंट है तो जिसने पहले दिया था और जिसका पहले रैंक कर रहा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, अदरवाइज आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आपको प्रायोरिटी तब मिलेगी भले आप टॉपिक सेम ले लो कि कैसे वेट लूज करना है, आप टॉपिक बिल्कुल सेम ले लो, लेकिन उस पे जो कंटेंट है वो कंटेंट कुछ लेटेस्ट होना चाहिए कि आपने कुछ नया तरीका बताया है और उस नए तरीके को लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर कंटेंट है तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी देगा फॉर ब्रिंगिंग यू अप इन द न्यू कंटेंट एरिया विच इज टॉप रैंकिंग, टॉप रैंकिंग में आपको रख देगा। तो दैट इज व्हाट आई एम सेड हियर, यू मस्ट नॉट कॉपी एनी अदर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड कॉन्टेंट। आप कभी भी गूगल में ऑलरेडी जो साइट रैंक कर रहे हैं उनमें से किसी को भी कॉपी नहीं करोगे। अगर आप कॉपी करोगे तो गूगल सबसे पहले आपको पैनलाइज कर देगा। पैनलाइज मतलब होता है कि गूगल आपके कॉन्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर देगा, आपकी वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जिसके बाद आप गूगल पे कभी रैंक ही नहीं कर सकते। तो ले देके बात क्या हो जाएगी, कोई फायदा तो हुआ नहीं, ऊपर से ब्लैकलिस्ट हो गए, अब आपकी साइट कभी रैंक ही नहीं करेगी, चाहे आप अब नया कॉन्टेंट डाल रहे हो। एक बार पैनलाइज होने के बाद आप नया कॉन्टेंट डाल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गूगल ने आपको ऑलरेडी
पेनालाइज्ड कर दिया है। अब आपको बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लिखना है, या तो लिखना है या फिर लिखवाना है अपने ब्लॉग के लिए, अपने आर्टिकल के लिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए। एंड जैसे ही आपको कंटेंट लिखना हो जाए आपका, तो प्लीज अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म जरूर चेक कर लेना। क्योंकि क्या होता है, मैंने किसी कंटेंट राइटर को अपना कंटेंट लिखने के लिए दिया, उसने मुझे कंटेंट लिख के दे दिया और मैंने एज इट इज उसे अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दिया। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो कंटेंट जो राइटर होते हैं, अगर जो आपका यू कैन से दैट क्लाइंट होता है, मैं एक क्लाइंट हूँ और कंटेंट राइटर मुझे कंटेंट लिख के दे रहा है, तो अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता तो कंटेंट राइटर क्या करते हैं, उन्हें कॉपीड कंटेंट दे देते हैं कि किसी और साइट से कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो अब प्लेजरिज्म चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। प्रीमियम टूल्स पे ही मैं बिलीव करता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक फ्री टूल का तरीका बताता हूँ। फ्री टूल है गाइज स्मॉल SEO टूल्स में जाओगे, अगर आप smallseotools.com, आई होप आप लोगों को मैंने ये प्रोफेशनल ब्लॉगिंग में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी आप देख लो। सो द वेरी फर्स्ट टूल विच यू कैन सी हियर इज प्लेजरिज्म चेकर। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन प्लेजरिज्म चेकर, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉन्टेंट राइटर ने ये वाला कॉन्टेंट मुझे लिख के दिया है, बट मुझे पता नहीं था ये जो कॉन्टेंट है उसने कहीं से कॉपी किया है, तो ये मैं एज इज अगर अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देता और पब्लिश कर देता तो डेफिनेटली गूगल मुझे पेनालाइज कर देता। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेफर साइट के लिए मैंने इसको कर दिया पेस्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये 1000 वर्ड से ज्यादा के कंटेंट को मतलब प्लेजराइजेशन चेकिंग नहीं करेगा। तो व्हाट आई कैन डू, इसने सिर्फ 1000 वर्ड्स ही लिया है, बाय डिफॉल्ट 2500 को ये नहीं करेगा। तो अब चलते हैं नीचे एंड क्लिक ऑन चेक प्लेजरिज्म, सॉरी। तो मुझे यहाँ से कुछ वर्ड्स मतलब 1500 वर्ड्स जो है मुझे डिलीट करने हैं, तो मैं वो भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको दिखाना ही है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ अब मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि जितना है उतना तो कम से कम मुझे चेक करना चाहिए। तो गाइस देखो, 100% प्लेजरिज्म, मतलब ये पूरा ही कंटेंट जो है ये कहीं से कॉपी किया गया है। 100% प्लेजरिज्म मतलब ये पूरा कंटेंट ऑलरेडी गूगल में है और गूगल ने देख लिया है कि ये कंटेंट कहाँ पब्लिश्ड है, ये कंटेंट पब्लिश्ड है गाइस, ये एक एक लाइन इसने बताया कि प्लेजराइज्ड है, तो मतलब 100% पूरा कंटेंट प्लेजराइज्ड है। तो अगर मुझे देखना है कि कहाँ है, तो लेट्स गो टू कंपेयर। कंपेयर में आपको दिख रहा है, यस, हेल्पलाइन एक वेबसाइट है, यहाँ पर गूगल ने ऑलरेडी इस कंटेंट को रैंक दे रखा है और हमने भी कहाँ से उठाया गया, इसको हेल्पलाइन से ही उठाया था, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये तरीका है आपका फ्री में चेक करने का कि यू नीड टू गो टू स्मॉल एसईओ टूल्स एंड यहाँ पर जाके आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट में कहीं प्लेजरिज्म तो नहीं है। अगर है तो गूगल को आपको पेनालाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर गूगल ने आपकी साइट को पेनलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम विल बी कि आप उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंटेंट जितना मर्जी यूनिक लिखो आप रैंक ही नहीं करोगे, क्योंकि गूगल ने अपने डेटाबेस से आपको डिलीट कर दिया होता है। चलो अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूं वो ये है, आपका कंटेंट जो है ना वो 80% तो मिनिमम यूनिक होना चाहिए। अब 80% यूनिक क्यों होना चाहिए, क्यों 100% यूनिक नहीं होना चाहिए। अब देखो गाइस, मेरे कंटेंट के अंदर अगर मैं एक वेट लूज पे मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, तो वेट लूज वर्ड तो मैं भी लिखूंगा, आयुर्वेदा वर्ड भी मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ होम रेमेडीज, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, त्रिफला वर्ड हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, ये वर्ड तो मेरे कंटेंट में भी रहेगा। अगर वो सेम वर्ड्स मेरे कंटेंट पे भी रहेगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं 100% यूनिक कंटेंट लिख सकता हूँ, कुछ लाइनें मेरी किसी और कंटेंट के साथ मिल सकती है। तो गूगल ऑल्सो नोज दैट कि हाँ ये चीज तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेंट लिखा है जिसमें मुझे ना सुंदर पिचाई के बारे में कुछ लिखना है। अब सुंदर पिचाई का जो बैकग्राउंड है कि उसने IIT से अपना ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है, फिर उसने वो चेन्नई का रहने वाला था, फिर वो बैंगलोर में जॉब करने आया, तो ये सारी चीजें तो मैं भी लिखूंगा, किसी और ने भी लिखा है, तो गूगल नोज इट कि यार जो यूनिवर्सल फैक्टर है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो हर कोई लिखेगा। तो इसलिए गूगल 80% का जो ये बफर है वो सबको देता है कि आपका कंटेंट अगर 20% भी प्लेजराइज है तो चल जाएगा, बट 80% यूनिक होना जरूरी है। 80% यूनिक आप खुद लिखोगे वो तो ऑब्वियस पॉसिबल है कि 80% मैं तो खुद ही लिखूंगा, 20% मेरे जो लाइंस हैं, मेरे जो सेंटेंसेस हैं, वो किसी और पर्टिकुलर साइट से मैच कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। सो गाइस आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि आपको यूनिक कंटेंट क्यों लिखना है, तो प्लीज इसका खास ध्यान रखना, अगर नहीं ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताया था कि ये पुराना है, पुराना इन द सेंस कि ये कुछ टाइम पहले का मेरा स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा है कि आप 700 से 800 वर्ड लिखना, लेकिन अब चेंज हो गया है, आपको कंटेंट ज्यादा देना है, आपको मिनिमम 1000 वर्ड्स लिखना है और मैक्सिमम आप 2000 वर्ड्स तक लिख सकते हो, 2000-2500 वर्ड्स तक लिख सकते हो, ज्यादा लिखोगे तो कंटेंट बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग मतलब इतना लंबा कंटेंट बहुत लोग शायद नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका कंटेंट जो है वो मिनिमम 1000 हो और मैक्सिमम 2000 हो, ये सबसे बेस्ट क्वांटिटी होती है
कंटेंट लिखने की, तो वर्ड काउंट के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया बेसिकली। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं कंटेंट जितना इजी होगा, आपके कंटेंट का लैंग्वेज जितना इजी होगा उतना बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि गूगल क्या करेगा, गूगल को पता है कि गूगल में हर तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे भी लोग आते हैं और गूगल पे आके कंटेंट सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सर्च किया कि हाउ टू लूज वेट, अब हाउ टू लूज वेट का कोई ऐसा कंटेंट रैंक कर रहा हो जो कि बहुत ही हार्ड और टफ इंग्लिश में लिखी है, या इनफैक्ट हिंदी में भी लिखी है तो बहुत ही टफ हिंदी लैंग्वेज उसमें यूज किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा लिखा बहुत अमीर, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा लोग ही उसे समझ सकते हैं। जैसे कि जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश में लिखा गया कोई एक ऐसा आर्टिकल रैंक कर जाए तो गूगल में तो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। इसलिए गूगल चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना इजी लैंग्वेज में हो कि मेरे सारे यूजर को आपका आर्टिकल पढ़ के समझ आ जाए। तो इसलिए गूगल कहता है कि प्लीज आप जितना आसान लैंग्वेज में, जितना इजी लैंग्वेज में यू कैन राइट योर आर्टिकल, आई विल प्रिफर इट मोर। दैट इज अ रीजन कि सिंपल इंग्लिश में आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, माई नेम इज ABC, I live in Delhi, वगैरह वगैरह। बहुत आसान लैंग्वेज में जितना आसान लिखोगे दैट इज मोर बेटर फॉर योर फॉर द रैंकिंग इन गूगल। एंड थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि गाइस पैसिव वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखी गई इंग्लिश थोड़ा सा ट्रिकी होती है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है समझना, तो बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते। पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस इन इंग्लिश होता है, इसको गूगल में जाकर सर्च करना, आपको वहां पर इजीली इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। बट मैंने आपको टेक्निकल टर्म पे बता दिया कि पैसिव वॉइस के इंग्लिश को लिखने में, या इंग्लिश क्यों, कोई भी लैंग्वेज लिखने में पैसिव वॉइस से बचना। और आपका जो सेंटेंस है वो छोटा सेंटेंस लिखना है, आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। अगर मुझे लिखना है कि मुझे एक फिल्म पसंद आई, तो सिंपल उसको छोटे सेंटेंस में लिख दो कि आई लव दैट मूवी फार बेटर देन दिस मूवी, खत्म। ठीक है, अब आप लिखोगे दिस मूवी इज बेटर देन द प्रीवियस वन बिकॉज द प्रीवियस मूवी वॉज नॉट दैट क्लियर बिकॉज इट हैज बैड कैरेक्टर्स, इट हैज यू नो बैड एक्टर्स, दे डोंट डू द एक्टिंग वेल, सो आई लव दिस मूवी, फुल स्टॉप। आपने कितना बड़ा सेंटेंस लिख दिया सेम चीज को बोलने में। तो दैट इज द रीजन गूगल सेज कि आपका जो साइट है, आपका जो आर्टिकल है, उसमें ना जो सेंटेंसेस है वो छोटे छोटे होने चाहिए। लाइक यहां से शुरू हुआ, आर यू सिक ऑफ टायरिंग जिम सेशन, खत्म। वेल से शुरू हुआ, कैन यू हेल्प लूज वेट क्विकली, खत्म। जिम से शुरू हुआ और आपका यहां पर खत्म। अगर मैं यहां से शुरू करता और यहां खत्म करता तो इस सेंटेंस को बहुत बड़ा माना जाता, लाइक दिस फॉर एग्जांपल। सो दैट इज द रीजन गूगल वांट्स कि आपका जो सेंटेंसेस है वो छोटे छोटे होंगे ना, दैट विल बी इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, छोटे छोटे। जैसे खैर ये वाला सेंटेंस भी बहुत बड़ा हो गया, आई वॉन्ट कि इस सेंटेंस को अगर ये यहाँ पर खत्म कर देता तो दैट इज मोर प्रिफर, बट जहां की ये रैंक कर रहा है तो ठीक है, बट ये सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू होकर आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ खत्म हो या यहाँ खत्म हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई होप सो फार सो क्लियर। तो योर सेंटेंस शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, जितना लेस हो उतना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, कंटेंट डेकोरेशन गाइस बहुत एक वैल्यूएबल चीज है आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, कि आपका कंटेंट कितना सुंदर दिखना चाहिए। कंटेंट डेकोरेशन का मतलब यही होता है कि योर कंटेंट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक एंड इजी एंड सूथिंग फॉर द यूजर्स आईज, कि आपके यूजर्स को वो बहुत ही अच्छा दिखने में लगे। अब दिखने में लगे का मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर वन, डिवाइड योर एंटायर कंटेंट इनटू सेवरल पैराग्राफ्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये वाला जो कंटेंट आपको दिख रहा है जिसमें इसने लिखा है कि टॉप 5 आयुर्वेदिक होम रेमेडीज टू क्विकली लूज वेट, ये कॉन्टेंट इसने अगर यहां से स्टार्ट किया है तो इसने फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो यही खत्म कर दिया। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ उसने लिखना स्टार्ट किया लेमन एंड हनी, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया। थर्ड उसने पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया। सो आप देख रहे हो कि इसने पूरे कंटेंट को, ये पूरा कंटेंट नाना करके आई वुड से कम 1500 या 1000 वर्ड का कंटेंट जरूर है, ये यहां तक का 1000 वर्ड का कंटेंट जरूर है। अभी 1000 वर्ड के कंटेंट को अगर यहां से स्टार्ट करता और एक सांस में पूरे को, एक ही कंटेंट को एक ही पैराग्राफ में लिख देता तो आपको समझने में, पढ़ने में या देखने में बहुत दिक्कत होती। बट इसने क्या किया, और जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है, और इसी तरीके के जो कंटेंट है वही रैंक करते हैं, कि आपका कंटेंट डिवाइडेड होना चाहिए सेवरल पैराग्राफ्स के अंदर। पैराग्राफ नंबर 1, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने आपको, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, सो दैट अब देखो पढ़ने वाले को देख के भी लग रहा है यार कितना अच्छा लिखा है। पहले मैं ये पढ़ूंगा कि लेमन हनी के बारे में क्या है,
फिर मैं पढ़ूंगा बॉटल गॉड के बारे में क्या होता है, फिर मैं पढ़ूंगा ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है, और फिर मैं पढ़ूंगा बैसल लिव्स के बारे में पढ़ूंगा। तो ये चीज क्या है, ये चीज की एक यूजर एक रीडर के मन में एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यार ये कंटेंट पढ़ने लायक है, क्योंकि ना इसमें बहुत कुछ दे रखा है, इतनी सारी चीजें दे रखी हैं जो कि मैं पढ़ूंगा तो शायद मुझे बहुत बेनिफिट होगा मेरे वेट को लूज करने में। दैट इज नोन एज कॉन्टेंट डेकोरेशन, दैट फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर कॉन्टेंट इंटू सेवरल पैराग्राफ्स रादर देन राइटिंग इन अ होल वन पैराग्राफ। ये पूरा 1000-1500 वर्ड्स का आपने शुरू जहां से किया था खत्म वहीं हुआ जहां पर आप कॉन्टेंट ही खत्म होना था। डोंट डू दैट, सो ऑलवेज कीप इट इन अ पैराग्राफ्स। नाउ एक पैराग्राफ मैक्सिमम 70-80 वर्ड के अंदर खत्म करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि ये जो कॉन्टेंट था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से कोशिश करो एक पैराग्राफ आपका 60-70 वर्ड्स में खत्म हो जाए, 60 वर्ड्स और 70 वर्ड्स या 80 वर्ड्स मैक्सिमम, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ ज्यादा इजी टू रीड होते हैं। अगर आपका वो टॉपिक जो मतलब आप समझाना चाहते हो अगर नहीं हुआ खत्म 60-70 वर्ड्स में, आप उसी में एक और क्या पैराग्राफ ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट पैराग्राफ चेंज जरूर कर दो। डोंट राइट इट इन अ होल, नेवर, बिकॉज वो बहुत टाइडी हो जाता है, मतलब ऐसा फील होता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करो पैराग्राफ को छोटा रखो, 70-80 वर्ड्स के अंदर लिख दो। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स। आप बुलेट पॉइंट्स यूज करो अगर आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। बुलेट पॉइंट्स मतलब टू मेंशन योर स्टेप्स, अगर आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं ना कि ये करो, तो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स की बात क्या है, जैसे ये बुलेट पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 5, क्योंकि मुझे मेंशन करना है कि पांच चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन हनी खाओ नंबर 1 पे, बॉटल गॉड खाओ सेकंड पे, ब्लैक पेपर का यूज करो फोर्थ पे, बैसल लीव्स का यूज करो। तो ये क्या, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ ये बुलेट पॉइंट्स हैं ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कितनी चीजें करनी पड़ेगी, अगर आपने मुझे बुलेट पॉइंट्स में दिखाया चीजों को तो मुझे लगेगा अच्छा मुझे यही पांच चीजें करनी पड़ेगी या 6 चीजें करनी पड़ेगी, दैट लुक्स मोर सूथिंग, वो अच्छा लगता है पढ़ने में या देखने में। तो अगर आपको स्टेप्स मेंशन करने हैं अपने कंटेंट के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर, तो ऑलवेज ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स का यूज करो, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो इजी टू रीड होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। एंड आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपके कंटेंट का, वो हमेशा हेडलाइन 1 होना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल दिस इज नोन एज हेडलाइन 1, H1 कहते हैं इसे, कि आपका कंटेंट जहां से स्टार्ट हो मेक श्योर उसका हेडलाइन देना आपको जरूरी है, क्योंकि विदाउट हेडलाइन कोई भी कंटेंट पढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि गाइज जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में तो पता नहीं कितने हजारों वर्ड्स होते हैं, क्या हम सारे पढ़ते हैं, सारे न्यूज़ पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर के अंदर? नो, जिसकी जो हेडिंग होती है, जिसकी हेडिंग स्ट्रांग होती है, और हेडिंग पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम आर्टिकल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग होना जरूरी है किसी भी आर्टिकल का। सो फार सो क्लियर, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड गाइज बहुत ईजी है इसको समझना, अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं तो भी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये इतना ईजी है। कभी भी गूगल ना किसी भी ऐसे कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा जो कि उल्टा पुल्टा गलत शलत लिखा हुआ है, मतलब उसका ग्रामर भी ढंग से नहीं लिखा। मैं लड़का हूं, मैंने लिखा है कि मैं जाती थी वहां पर खेलने, तो इसका मतलब गूगल को पता लग जाएगा कि दिस इज पर्टिकुलर, इस आर्टिकल को जो लिखा है ना उनको लिखना नहीं आता, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मतलब या फिर उनको लैंग्वेज के अंदर उनकी कमांड नहीं है। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो देखा जाता है वो है ग्रामेटिकल एरर्स, कि ग्रामेटिकली आपका आर्टिकल आपका कॉन्टेंट कितना अच्छा है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप कभी भी रैंक नहीं करोगे। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप रैंक ही नहीं करोगे। गूगल पे आपने हार्डली देखा होगा, मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं देखा होगा, बट बहुत 99.9% टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नहीं देखोगे कि ऐसा कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है जिसके अंदर स्पेलिंग एरर्स हैं, कि स्पेलिंग ही गलत लिखी गई है वर्ड्स की, ऐसा हो ही नहीं सकता। गूगल इस चीज का खास ध्यान रखता है। पंक्चुएशन मार्क्स, आपने गलत कॉमा, गलत एक्सक्लेमेशन मार्क्स, आपने गलत तरीके से इनवर्टेड कॉमास, इनका यूज किया है तो गूगल को समझ आ जाएगा कि अगेन द आर्टिकल राइटर हु हैज बीन रिटन दिस आर्टिकल, दे डोंट हैव सेंस और दे डोंट हैव गुड कमांड ओवर दिस लिटरेचर, सो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को गूगल रैंक नहीं कराएगा। एंड प्लीज अपने आर्टिकल को हमेशा यूनिवर्सल कलर में ही लिखा करो, विच इज ब्लैक। डोंट यूज द कलर फॉन्ट्स, कि आपने ब्लू ग्रीन येलो में अपना आर्टिकल लिख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। और ऐसा नहीं करना कि आप कैपिटल लेटर्स में ही पूरा कंटेंट लिख रहे हो। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो कंटेंट है अगर ये पूरा कैपिटल लेटर में होता तो कितना बेकार लगता, कितना अनप्रोफेशनल लगता। दैट इज द रीजन आप कैपिटल लेटर्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे। जहां जहां कैपिटल इनिशियल वर्ड्स कैपिटल में होने चाहिए
वो तो बिल्कुल श्योर है, वो तो होने चाहिए. उसके अलावा जो नाउन्स हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, दैट इज ऑल्सो गुड. बट आप एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स की, अननेसेसरी जहां पर कैपिटल लेटर्स की यूज नहीं है आप वहां पर भी कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, डोंट डू दैट. सो दैट इज द रीजन उसको रॉन्ग लिटरेचर माना जाता है, रॉन्ग ग्रामर माना जाता है. तो मेक श्योर आप इस चीज का ध्यान रखोगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो गाइस अभी तक जो हमने देखा है ना, ये बेसिकली हमें देखा गया कि हमारे कंटेंट को लिखा कैसे जाए, क्या क्या किया जाए उसके अंदर, या फिर क्या क्या कौन से मेजर चीजों का ध्यान रखा जाए लिखने से पहले. ये लिखने के टाइम की चीज नहीं है गाइस, ये लिखने से पहले की चीजें हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि हम उसी अकॉर्डिंग अपना कॉन्टेंट लिखना स्टार्ट करें. अगर हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं गूगल के नजरों में एक अच्छा कॉन्टेंट माना जाऊंगा, और उसके बाद गूगल सोच सकता है कि मुझे किस कीवर्ड पर रैंक कराए. पहले तो मैं अच्छा अपने आप को दिखाऊंगा. जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है कि हम देख कैसे रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हम क्या पहन के आए हैं, हम कैसे उसको गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं. तो फर्स्ट अपीयरेंस मैटर्स. तो यहाँ पर भी गूगल के लिए फर्स्ट अपीयरेंस ये है कि आपका कॉन्टेंट कैसा है, मतलब दिखने में कैसा है, समझने में कैसा है, या अगर उसको लोग पढ़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये चीज का इफेक्ट कितना है आपको कंटेंट में, पहले गूगल आपको ये देखेगा. जैसे कि उसके लिए क्या क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी. नाउ अब आते हैं किस कीवर्ड पे आपका पर्टिकुलर आर्टिकल रैंक करेगा, दैट मैटर्स हियर. उसके लिए हमें अब कीवर्ड का ध्यान रखना है कि कीवर्ड यूज ऑफ कीवर्ड कैसे करना है, कीवर्ड के अंदर क्या क्या हमें देखना है, समझना है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है कैसे कोई कंटेंट रैंक कर रहा था वेट लॉस पे, क्योंकि वेट लॉस उसे कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ लिखा गया है वो चीज मैंने आपको दिखाई थी. कि बाकी आर्टिकल्स क्यों रैंक कर रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड कितनी जगह उसके लिखा था, कैसे कैसे लिखा था. तो वो चीजें होती हैं गेम ऑफ कीवर्ड. अब बात कर लेते हैं गाइस विदाउट कीवर्ड इंसर्शन, विदाउट कीवर्ड डाले, मतलब अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड डाले आप एसईओ कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल मैंने अपना कीवर्ड अपने पूरे कंटेंट के अंदर नहीं लिखा, तो ध्यान रखना आप उस कंटेंट को उस कीवर्ड पे कभी रैंक ही नहीं करा सकते. अगर उस कंटेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा कि हाउ टू लूज वेट, और ये लूज वेट पूरे कंटेंट के अंदर कहीं लिखा, तो मैं लूज वेट वर्ड पे जिंदगी में रैंक नहीं करूंगा. ये ध्यान रखना है इस चीज का. दिस इज द मेजर रूल कि गेम ऑफ कीवर्ड. अब कीवर्ड का यूज कैसे करना है, कीवर्ड का यूज भी आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और आप गाड़ी चलाना सीख जाओ. तो आप गाड़ी चलाना सीख तो जाओगे, लेकिन अगर आपको यूज नहीं पता कि स्टीयरिंग को घुमाने से गाड़ी मुड़ती है, या फिर एस्केलेटर को प्रेस करने से गाड़ी आगे चलती है, या क्लच को छोड़ने से आगे चलती है, तब तक आपको नहीं आएगा. आपने सीख तो लिया ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ऐसे आपने सीख तो लिया ये कीवर्ड होता है, बट उसका राइट यूज अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे कि कीवर्ड को सॉरी साइट को रैंक कैसे कराना है, आर्टिकल को रैंक कैसे कराना है. तो उसी पे बात कर लेते हैं. तो तीन चीजों का मेजर यहाँ पर प्रभाव है, यू कैन से दैट मेजर इसका फोकस होना है आपको कीवर्ड के टाइम पे, आपके कंटेंट के अंदर, कि आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड की डेंसिटी मैटर करेगी, आपके कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड का प्लेसमेंट मैटर करेगा, और आपके कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड का प्रॉक्सिमिटी मैटर करेगा. तो गाइज डेंसिटी, प्लेसमेंट्स एंड प्रॉक्सिमिटी, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है. क्या क्या चीजें होती है ये, इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं. नंबर वन, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है. गाइस मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट. 1 मिनट के लिए मैं साइलेंट हो जाता हूँ, आप जल्दी से ये पढ़ लो जो मैंने लिखा है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है. कीवर्ड डेंसिटी रेशियो, जल्दी से पढ़ लो इसे. आई कैन श्योर कि आप लोगों को पढ़ के ही समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना मेरा काम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. इस कीवर्ड डेंसिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड का कंटेंट है, 2000 वर्ड का कंटेंट है, अगर मैं बात करूं यहां पर, लेट्स गो बैक, हम जिस कंटेंट पहले गए थे उस पर मैं आपको ले जाता हूं, एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कंटेंट था इसका मैंने वर्ड काउंट निकाला था ना गाइस, ये 2400 वर्ड काउंट था इसका. इनफैक्ट 2500 ही मानो, 2500 वर्ड का कंटेंट था, और इस कंटेंट के अंदर इन्होंने ये वर्ड जो है वेट लॉस, इसको कम से कम 37 टाइम्स लिखा था. अगर मैं 37 टाइम्स ना मानूं, क्योंकि इसके 1, 2 यहाँ पर भी कुछ वेट लॉस का इसने कीवर्ड ट्रिगर कर लिया था, सो मैं इसको ना भी मानूं तो चलेगा. तो 37 में से मैं 2 हटा देता हूँ, मेजरली 2 कीवर्ड हटा देता हूँ, 35 टाइम्स. तो गाइस
2400 वर्ड्स अगर मैं 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2400 कर देता हूं तो गाइज आई एम सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, 35 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इज इक्वल्स टू 1.45%, मतलब 1.5% कि इस पूरे कंटेंट के अंदर 1.5% की डेंसिटी रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड की, जो कि मैंने यहां एज इट इज मेंशन किया है। कहां पर मेंशन किया है कि गाइस आपका कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड मिनिमम 1% टाइम रिपीट होना चाहिए, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 2.5%। मतलब अगर आपको जरूरत है उस पर्टिकुलर वर्ड को बार बार लिखने की तो लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर कीवर्ड स्टफिंग की पेनल्टी लग जाएगी। कीवर्ड स्टफिंग मतलब कि आप जानबूझ के उस कीवर्ड को बार बार यूज कर रहे हो ताकि गूगल आपको रैंक कर दे, तो गूगल को समझ आ जाएगा कि इतनी बार आपने इस कीवर्ड को क्यों लिखा है, इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, तो गूगल समझ जाएगा और कीवर्ड स्टफिंग की पेनल्टी आप पे लग जाएगी, जिससे क्या होगा आपका वो आर्टिकल नहीं रैंक करेगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। लेकिन आपका आर्टिकल इसलिए भी नहीं रैंक करेगा क्योंकि आपका आर्टिकल में वो कीवर्ड ही 1% से कम है, मतलब गूगल को लगेगा यार इसका इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो फोकस है वो वेट लूज नहीं होगा, फिर कुछ और होगा, क्योंकि वेट लूज तो 1% भी नहीं लिखा, तो इसलिए मिनिमम 1% का जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करना है और मैक्सिमम 2.5% की डेंसिटी है वो मेंटेन करना है, तो इन दोनों के बीच का मेंटेन करना है। जैसे कि इस साइट ने 1.45 व्हिच इज 1.5% की डेंसिटी मेंटेन की है, इस 2500 वर्ड में उसने 35 टाइम्स उसने वेट लॉस लिखा है और ये होता है 1.5%। गाइस अगर नहीं समझ आया मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं कि आपका नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर कंटेंट जितना भी हो उसका 1% मिनिमम आपका कीवर्ड उस पूरे कंटेंट के अंदर रिपीट कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप रैंक नहीं कर पाओगे। दिस इज द क्लियर थिंग हियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कीवर्ड प्लेसमेंट्स। अब कीवर्ड कहां कहां हो ये भी मैटर करेगा, ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड लिख दिया, आपने एक ही बार में सारे के सारे 35 कीवर्ड्स लिख दिए, आपने एक ही बार में सारे सारे 10 कीवर्ड्स लिख दिया अगर 1000 वर्ड का कंटेंट है तो, ऐसा नहीं है, लेकिन कहां कहां लिखना है वो मैटर करेगा। नंबर वन गाइस आपके हेडिंग में आपका कीवर्ड्स एक बार जरूर आना चाहिए, जो मेन कीवर्ड है वेट लॉस, तो वेट लॉस जो है आपका देख रहे हो कि यहां पर आ रहा है, आपके हेडिंग में एक बार आ गया लूज वेट, वेट लॉस सिनोनिम्स होते हैं, चलेगा बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो आना चाहिए, तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये आ रहा है वेट लॉस लूज वेट आपके हेडिंग में आ रहा है, तो एज पर माय स्लाइड इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेन योर प्राइमरी कीवर्ड। आपका जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा, फर्स्ट लाइन में ही आपका कीवर्ड आना चाहिए एक बार। सो वेट लॉस आ गया गाइस मेरे स्लाइड के अकॉर्डिंग, आपको यहां पर साफ दिख रहा है कि हाँ फर्स्ट लाइन पे उन्होंने लिखा है, फर्स्ट लाइन में उनका प्राइमरी कीवर्ड आया है। मैं एक चीज यहां पर देखना चाहता हूं गाइस, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, नॉट इवन मिनट, मैं एक चीज देखना चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है इसका डेट कहीं क्यों नहीं लिखा रहा कि ये पब्लिश कब हुआ है कंटेंट। That is not a part of this SEO. Okay. Guys, point clear हो गया, ये particular justify हो गया ये line कि आपके first paragraph में first अगर होगा आपका primary keyword तो ranking के factors बढ़ जाते हैं। Now, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके almost आपके पास 1000 word में 10 paragraphs हैं या 12 paragraphs हैं, तो कोशिश करो आपके हर paragraph में एक बार आपका primary keyword repeat हो रहा है। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैराग्राफ है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा और उसमें 10 या 12 पैराग्राफ बने हैं, तो कोशिश करना हर पैराग्राफ में एक बार कीवर्ड जरूर देने की। एग्जांपल मैं अगेन यहां पर ले लेता हूं वेट लॉस, तो गाइस देखो एक पैराग्राफ यहां पर आ गया, दूसरा पैराग्राफ इस पूरे पैराग्राफ में एक यहां पर आ गया, तीसरे पैराग्राफ में यहां आ गया, तो यहां पर नहीं आया कोई बात नहीं, यहां पर भी नहीं आया, यहां पर दो बार आ गया इस पैराग्राफ में भी दो बार आ गया, तो हर पैराग्राफ में कोशिश करो कि आपका वेट लॉस, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आर्टिकल है और इस बहुत बड़े आर्टिकल में इसने डिफरेंट पैराग्राफ्स लिख रखे हैं, बहुत पैराग्राफ लिख रखे हैं, ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा पैराग्राफ लिख रखे हैं उन्होंने, ठीक है, सॉरी मोर देन दैट 30 पैराग्राफ से ज्यादा लिख रखे हैं, तो हर पैराग्राफ में कीवर्ड अगर देते हैं तो वो स्पैम हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने मेंटेन करा है। तो द सेम थिंग आई एम गोइंग टू जस्टिफाई हियर कि आप कोशिश करो कि आपका जो पैराग्राफ्स है उन पैराग्राफ्स में हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं एक बार या दो बार आपका ये कीवर्ड रिपीट हो। दो बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो
दो वर्ड कीवर्ड लेके, अगर आपने दो तीन चार पैराग्राफ में छोड़ दिए तो फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ में आप दो या तीन बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड को ले सकते हो। तो एवरेज मैं कह रहा हूं कि आपके हर पैराग्राफ में एक कीवर्ड जरूर होना चाहिए, अगर होगा दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वो आपके प्लेसमेंट्स में काउंट होगा कि आपका जो वेट लूज का जो आर्टिकल है सच में ये वेट लूज पे फोकस कर रहा है, इसके सारे पैराग्राफ वेट लूज को कहीं ना कहीं वैल्यू का मतलब प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो एक बेनिफिशियल पॉइंट है आपके लिए। Now the last point, fourth point of a keyword placement is LSI. LSI मतलब होता है stemming word, जो कि मैंने अभी आपको clear किया है कि अगर आपका primary keyword है weight loss, लेकिन अगर आपने weight loss की जगह कुछ synonyms लिखे हैं which is known as lose weight, जो कि कहीं ना कहीं weight loss का ही एक LSI है, latent semantic index एक term है जिसे हम कहते हैं SEO point of view से, कि अगर आपका weight lose, weight loss, loss weight या फिर weight reduce weight, reducing weight, तो ये क्या होता है, ये word होते हैं, एक ही word के बहुत सारे synonyms होते हैं, आप उसे use कर सकते हो और करना चाहिए, यही मैंने यहाँ पर बोला है। For example मेरे जो keyword है वो है dog training, but अब dog training जो ये word है मैं बार बार नहीं लिख सकता। For example मैं अगर पूरे के पूरे आर्टिकल में डॉग ट्रेनिंग लिखता रहूंगा ना तो अगेन थोड़ा सा फिशी साउंड होगा। तो अब मैंने बचने के लिए क्या किया, मैंने पपी ट्रेनिंग कहीं यूज कर लिया, पपी ट्रेनिंग कहीं मैंने यूज कर लिया, ट्रेन योर डॉग ठीक है, या फिर डॉग ट्रेनिंग तो खैर है ही, डॉग ट्रेनिंग गाइड। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बेसिकली गूगल की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ दैट दिस इज द डॉग ट्रेनिंग आई वॉन्ट टू रैंक ऑन, बट I'm not repeating it again and again. Why? Because Google will get it that you are desperate for dog training keyword and you want to get a rank on this particular keyword. So that is the reason what I'm trying to play a trick here. कि अगर मैं dog training की जगह ये सारी चीजें लिख हूँ ना अपने article के sentences में, तो क्या होगा, Google को तो पता ही है dog मतलब puppy, puppy मतलब dog, या फिर train your dog, मैं dog training ही लिख रहा हूँ लेकिन train your dog भी एक ही बात है, dog training equals to train your dog, तो ये अलग अलग लिख रहा हूँ। तो Google एक robot ही तो है, वो कोई human तो देख नहीं रहा, तो तब थोड़ा सा उसका जो रोबोट है ना वो थोड़ा सा एक मतलब रोबोट के होने के नाते वो इतना डीप नहीं जा पाएगा कि ओके ये चीज क्या चल रही है, लेकिन अगर वो डॉग ट्रेनिंग बार बार देखेगा उसे कैलकुलेट कर लेगा यार इतनी बार लिखा है तो वो फिशी काउंट कर देगा। बट अगर आप इस तरह से एलएसआई यूज करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको वो समझ जाएगा कि आपका डॉग ट्रेनिंग प्रोमिनेंट है और आपको इस पर रैंक कराना है, तो तब तो आप बच जाओगे ठीक है। तो गाइस दिस इज द एलएसआई, इसका खास ध्यान रखना है जब आप कॉन्टेंट लिखोगे। तो अब मैं बात कर लेता हूं प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि अगर आपका एक पूरा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल द कीवर्ड इज, मेरा कीवर्ड क्या था, हाउ वेट लॉस रेमेडी, होम रेमेडी, ये चार वर्ड का हो गया ना, वेट लॉस होम रेमेडी। लेकिन अगर मैं वेट लॉस होम रेमेडी इस कीवर्ड पर रैंक करना है तो क्या मैं वेट लॉस होम रेमेडी, वेट लॉस होम रेमेडी को बार बार लिख सकता हूं और एक ही साथ लिख सकता हूं, क्या मेरे सेंटेंसेस बनेंगे, क्या पता किसी सेंटेंस में ये पूरे वर्ड नहीं आ रहा, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में आई नीड टू यूज प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कि डॉग्स ट्रेनिंग इस कीवर्ड पे मुझे रैंक करना है, बट ये कीवर्ड में बार बार नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरा सेंटेंस अलाउ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बनाया, डॉग्स आर आर फ्रेंड्स, देयर ट्रेनिंग आर नेसेसरी। अब देखो इस पूरे सेंटेंस के अंदर, ये एक सेंटेंस माना गया मेरा, ये सेंटेंस तो हुआ, इस सेंटेंस के अंदर डॉग्स वर्ड भी आ गया और इस सेंटेंस के अंदर ट्रेनिंग वर्ड भी आ गया, बट जहां की ये एक साथ नहीं आए लेकिन एक सेंटेंसेस में आए, तो दिस इज नॉन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो डॉग्स ट्रेनिंग पे आपको प्रोमिनियंस मिल जाएगा, आपका फोकस कीवर्ड माना जाएगा डॉग्स ट्रेनिंग, दो दे आर नॉट अलोंग, दे आर नॉट टुगेदर, बट यू विल गेट डेफिनेटली अ प्रोमिनियंस ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। सो दिस इज नॉन एज प्रॉक्सिमिटी, कि द गैप्स, आप जो गैप रख रहे हो अपने कीवर्ड के अंदर, जो कि बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, अगर गैप है भी तो भी वो आपका कीवर्ड काउंट होगा, यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सो प्लीज अगर कभी आपको लग रहा है कि आप डॉग अपने कीवर्ड को एक साथ बार बार नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके बीच में गैप मतलब एक सेंटेंस ऐसे बना दो कि वो वर्ड्स तो आ जाए एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन अगर अलग अलग है तो भी चलेगा, एंड दैट प्रोसेस नोन एज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो गाइज ये तीन चीजें आपको मेजरली मुझे समझानी थी, विच इज नोन एज डेंसिटी, कितनी बार रिपीट करें, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ रिपीट करें, और अगर आपका जो कीवर्ड है वो हर बार एक ही टाइप का लिखने का पॉसिबल नहीं है, तो कैसे आप गैप्स एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, बाय पुटिंग द गैप्स बिटवीन दोज कीवर्ड्स। सो दिस इज द मेजर थ्री थिंग्स जो आज मुझे बताना था आपके कंटेंट के अंदर, तो ये मेजर वो तीन चीजें थी। आई होप आपने देखा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम कीवर्ड की डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी वगैरह का मेंटेन करते हैं, प्लेसमेंट को मेंटेन करते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद एक कीवर्ड हमारी वेबसाइट के अंदर उस
पर्टिकुलर पेज के अंदर ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिससे गूगल को ये बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यस दिस इज द राइट पेज फॉर दिस कीवर्ड, और जब भी वो कीवर्ड गूगल पे कोई लिखेगा तो मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मेरी वेबसाइट रैंक कर रही होगी फॉर दिस कीवर्ड। सो गाइज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।